बड़ी खबर पूर्णिया जिले से आ रही है, जहां अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम देने की नियत से मां और बेटे दोनों को गोली मार दी। घटना सरसी थाना क्षेत्र के जियनगंज का बताया जा रहा है। 20 वर्षीय घायल जियनगंज निवासी रवि कुमार ने बताया कि वह अपनी मां शीला देवी के साथ बाइक से सरसी जा रहा था। उसी क्रम में बाइक सवार आधा दर्जन अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम देने की नियत से रोका। जब विरोध किया तो अंधाधुन गोलीबारी करने लगे, जिसमें मां और बेटा दोनों को एक एक गोली सर में लग गई और दोनों घायल हो गए। दोनों घायल को आनन फानन में इलाज के लिए पूर्णिया के सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। घायल के परिजन ने बताया कि अपराधी गांव के ही कुछ लोग हैं जो अपना वर्चस्व कायम करने के लिए आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी अपराधियों द्वारा दी जाती है। वहीं इस घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई है। पुलिस मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मार्केट आ रहे थे, सरसी मार्केट में तो आने के क्रम में सरसी का जो पुल है ना, उधर से दो गाड़ी से आए। किस चीज़ से था वो? वो एक ग्लैमर से था, वो अपाची से था। कितने आदमी था? एक दो दो वो था। आके फायरिंग कर दिया? जी नहीं, हम लोग पहले रोका तो हम लोग रुकते, रुकने के बाद मेरे पास रुपया था। कितना रुपया था? मेरे पास था 70,000 रुपया। मम्मी के पास। कहाँ से आप लोग आए थे? घर से आ रहे थे, मकई बेचे थे ना, वही रुपया ले जाते बैंक में जमा करने जा रहे थे। कितने लोग से थे वो लोग? चार आदमी। और कहाँ था? लखनऊ के चार। किसी को पहचाने आप? जी। कौन था वो? था मेरे गांव का है, जेपी यादव, और उसका लड़का राणा कुमार, एक वो है उसमें, वो क्या नाम है न पहचानते हैं, उसका चेहरा जानते हैं। अच्छा, कितना राउंड गोली चलाया था? उन लोग करीब 4-5 राउंड गोली चलाए थे। अच्छा, तो भागा किधर वो लोग? फिर वो लोग फिर जो है उधर नहर पकड़ के वो लोग खेते किधर भागा बांध पकड़ के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार। घर? घर जियनगंज 14। इसको लेकर थाने में आवेदन दिया? पुलिस आई कोई? जी थाना में आवेदन दे के आए हैं यहाँ पे। कहाँ गोली लगी आपको? घटना जियनगंज से आ रहे थे, सरसी दोनों माँ बेटा थे, मतलब पाछे से आया और बेटी ज़्यादा अनिल ज़्यादा उसका बेटा रहा बउआ और सब था, पीछे से तो नहीं देखे। अब रवि पर पाछे से गोली चला दिया। कितना राउंड गोली चलाया था? दो राउंड, दो तीन राउंड। कितने लोग थे? तो सब कितने लोग थे? वो लोग था, वो लोग सात आठ था। अच्छा, कहाँ गोली लगी हुई? रवि कुमार मेरा बेटा है, तो माथे माथे वो लोग ऐसे छिटक गया। पैसा भी छिनते हुई है ना? पैसा भी छिनते हो गया, पर्स में 7-8,000 रुपया पूर्णिया घूम आ रहे थे। इसको लेके थाने में आपने एफ आई आर की? थाने में गए थे, लिखित आवेदन नाम दिए। हाँ, लिखित आवेदन दिए, लेकिन उतना कन्फर्म नहीं। इसको लेके कोई विवाद भी पहले चल रहा था उससे क्या? पहले तो नहीं जानते हैं, वो लोग आए देखने आए थे, हम लोग अचानक वो आज आपसे पीछा करके वो हम लोग दो पीछा करके चला। आप लोग दो आदमी थे प्लॉट पर। कहाँ आ रहे थे आप लोग? पूर्णिया आ रहे थे। क्या नाम है आपका? शीला देवी। घर? जियनगंज। बेटा का आपका? रवि कुमार। हुआ मामला है कि गांव में कुख्यात पूर्व अपराधी जेपी यादव, उनका लड़का राणा यादव नीतीश कुमार, त्रिवेणी यादव का लड़का, कुछ मुनी वगैरह है, और अनमोल यादव, अनिल यादव, किशन डोली, ये सब मिलकर के गैंग चलाता है। और वर्चस्व में गांव में मैंने किसी को
अच्छा बात बोलने के लिए नहीं तैयार होता है, जो अच्छा बात बोलता है उसको अपने बटस में लेने के लिए उसको धमकी दिया जाता है। जिसकी जिसका यह आवेदन हम लोगों ने पहले थाना में जिला पदाधिकारी भी दे चुके हैं कि वो बार बार धमकी देते हैं काम को मारने के लिए। और आज जो है वह फिर मार्केट आ रहा है, गाँव में ही लोगों को रोक करते हैं और पहले तो चेन रुपया वुपया छीन लिया, उसके बाद जो है इन लोगों के विरोध करने पर दोनों माँ बेटों को बोल दिया। पहले से दबंगई गांव में कर रहा है कि हमारे विरोध में हम जो करते हैं, हम इंदिरा आवास का टैक्स भूलते हैं, तो उसकी पत्नी व्हाट्सएप क्या है, हम इससे पहले आप लोग कभी उनके खिलाफ पहले हम लोगों को कोई झगड़ा था नहीं। वही जो पंचायती में उसके विरोध में जो पंचायती होता है उसमें जो पढ़ा लिखा लड़का सब विरोध करता है कि गलत बात, पढ़े लिखे लड़के को वह जो है क्रिमिनल के हैसियत से जो है इन लोगों पर दबाव डालता है कि तुम लोग पढ़ लिख करके अपना अपना जगह पर जाओ, हम लोग यहाँ अपना जगह पप्पू यादव का साथ लोग चलते थाना में आप अगर कई बार दे चुके हैं, डी एम को दिए हैं, एस पी को दिए हैं थाना प्रभारी, और उन्होंने अभी तक अगर ये कार्रवाई की होती तो ये घटना नहीं होती। क्या परिचय आपका? मेरा नाम है गोपाल प्रसाद यादव, समाजवादी पार्टी के जिला था।